रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी सिंघम अगेन सिनेमा घरों में आ चुकी है। ये साल 2011 और 2014 में आई अजय देवगन की सिंघम और सिंघम 2 की लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम करती है। वैसे कहानी में ऐसा कुछ नया नहीं है जो सिंघम अगेन के ट्रेलर में ना देख चुके हों। बाजीराव सिंघम देश के लिए मर मिटने वाला ईमानदार अफसर कश्मीर में पोस्टेड है। उसकी पत्नी है अवनी, कल्चरल मिनिस्टर है। सिंघम की पत्नी अवनी का अपहरण हो गया है। देश को बचाने वाला सिंघम अब पूरी टीम के साथ अपनी पत्नी को बचाने में जी जान लगा देता है। इसके लिए वो क्या क्या और कैसे कैसे करता है, इसमें कौन कौन उसका साथ देता है, इसी की कहानी है सिंघम अगेन। रोहित शेट्टी शुरू से ही अपनी इस पिक्चर को इंडिया का एवेंजर्स कहकर बेच रहे हैं, लेकिन इसे हॉलीवुड या मार्वल वाले एवेंजर्स के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हालांकि अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉफ को लाकर रोहित ने पूरी कोशिश की है कि वो ऑडियंस को एक थाली में सारा आइटम परोस दें, मगर वैसा कर नहीं पाए हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले बात राइटिंग की। रोहित ने स्टार कास्ट बटोरने में इतनी मेहनत की है कि उन्होंने कहानी लिखने का ज्यादा प्रेशर नहीं लिया, रामायण को उठाकर उसी की तर्ज पर स्क्रीन प्ले लिख दिया है। हाँ, मिलाप जावेरी के कुछ कुछ डायलॉग्स अच्छे हैं जिससे फन क्रिएट करने की कोशिश भी की गई है, मगर कोई भी डायलॉग ऐसा नहीं है जो आपको याद रह जाए या आपके दिमाग पर कुछ बहुत गहरी छाप छोड़ जाए। रोहित अपनी गाड़ी उड़ाने वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, ये उनका सिग्नेचर स्टाइल है। लेकिन जिस वक्त उन्होंने पहली वाली सिंघम बनाई, उस वक्त ये गाड़ियाँ उड़ाना, जमीन पर बाउंस करके हवा में उछालना, थप्पड़ों से पीट पीट कर हवा निकालना जैसे एक्शन फ्रेश थे। 2024 में ऐसे सारे एक्शंस पुराने हो गए हैं। सारे किरदार कार से एक ही स्टाइल में उतर रहे हैं, एक ही स्टाइल में विलन को पीट रहे हैं, सब कुछ रिपीटेटिव सा लगता है। किसी के एक्शन को देखकर कोई ताजा वाली फीलिंग नहीं आती। हाँ, टाइगर श्रॉफ वाले फाइटिंग सीन्स कुछ नए हैं। रोहित की फिल्मों की जान उसके विलेन हुआ करते थे। पहली वाली में प्रकाश राज हो या सिम्बा में सोनू सूद, हीरो के सामने एक मजबूत विलेन। लेकिन सिंघम अगेन यहाँ भी निराश करती है। सिंघम अगेन के विलेन है डेंजर लंका उर्फ जुबैर हाफिज, जो जिहादी नहीं है, विदेश से आया है, पढ़ा लिखा है, जातिवाद में नहीं मानता, लेकिन अपने बाप दादा का बदला लेने के लिए वो सिंघम को मारना चाहता है। अर्जुन के इस किरदार के लिए रोहित ने कुछ स्मार्ट राइटिंग की है, लेकिन अर्जुन पूरी फिल्म में एक्सप्रेशन लेस दिखते हैं, उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं दिखता। क्लाइमेक्स में अजय संग फाइटिंग वाले सीन में भी बिल्कुल ठंडा सा एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। दीपिका पादुकोण की बात करें तो वो फिल्म में शक्ति शेट्टी बनी है। दीपिका ने रोहित के साथ चेन्नई एक्सप्रेस में काम किया था, इस फिल्म में वो चेन्नई एक्सप्रेस की मिनम्मा ही लग रही है, उन्होंने वैसा ही एक्सेंट पकड़ा है। पठान में दीपिका को हम एक्शन सीन्स करते देख चुके हैं, तो यहाँ भी कुछ नया नहीं मिलता। सेकेंड हाफ में रणवीर सिंह की एंट्री के बाद थोड़ा सा लेवल अप होता है, मगर वो अपनी ओवर एक्टिंग से मामला बिगाड़ देते हैं। सब कुछ देर बाद बहुत ओवर ड्रामेटिक लगने लगता है। इस कॉप यूनिवर्स में करीना कपूर भी हैं, जिनके किरदार को डेंजर लंका ने किडनैप कर लिया है। पूरी फिल्म में करीना की सुंदर साड़ी और उनके अच्छे हेयर स्टाइल देखकर मजा आता है। एक सीन में करीना जंगल में भाग रही हैं, गुंडों से बच रही हैं, मगर उनकी साड़ी को कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है। एक सीन में डेंजर लंका उन्हें गोद में उठा कर ले जा रहा है, वहाँ भी करीना की साड़ी इतने प्यार से हवा में लहराती है कि एक्शन कम और रोमांटिक वाला सीन ज़्यादा लगता है। कुल मिलाकर रोहित शेट्टी की फिल्म बहुत लाउड है, मगर इसका कुछ हिस्सा आपके साथ रह जाए या आपको कुछ याद रह जाए, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। रोहित शेट्टी ने अपनी ही फिल्मों को कॉपी पेस्ट किया है। कुछ भी ऐसा सरप्राइज या ट्विस्ट नहीं है जिसे देखकर आंखें खुली रह जाएं या सांसें अटक जाएं। अगर आप हर आधे घंटे पर एक बड़े हीरो का कैमियो देखकर खुश हो जाते हैं, तो ये पिक्चर आपके लिए है। बिना दिमाग लगाए कुछ रंग बिरंगा देखने का मन हो तो बिल्कुल थिएटर में जाएं। और अगर आपने फिल्म देख ली हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये पिक्चर कैसी लगी। मैं हूं मेघना, ऐसी ही खबरों के लिए देख रही ललित टॉप सिनेमा। शुक्रिया।